दोस्तों, दिन की जो शुरुआत है वो कुछ नज़ारा इस तरीके का है, आप देख सकते हो। और मौसम तो धूप तो काफ़ी खिली हुई है, और पीछे जो है ये गौ माता है, ये यहाँ पर पूरा जो है ये इनके चरने के लिए है सारा। तो दोस्तों, छोटू के जो पीस है मेरे तो सब बिक गए थे पिछले गांव में ही। छोटू के लगभग 6-7 पीस रह रहे हैं, ये भी लगभग बिक ही गए क्योंकि पैसा उसने डाल दिया था जिसको दिया है फोन में। तो चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है कैसा नज़ारा देखिए है। दोस्तों कितना ऊंची पहाड़ी है ये। देखिए मंदिर भी काफी अच्छा है पहाड़ियों के पास। मैं चला हूँ फेरी करके तीन साइड को, अब आपको पहाड़ियों दिखाऊंगा। आज आपको पहाड़ियों का नज़ारा दिलाएंगे। ये देखिए, वाओ वाओ, ये देखिए आगे का व्यू भी दिखाता हूँ आपको। ये आगे का व्यू है, पूरी पहाड़ी है। ये देखिए ये पीछे पहाड़ी है। राम राम। ये देखिए हम लोग बाइक से आते हैं बॉस। बाइक भी काफी अच्छी नहीं है, धोखा दे देती है कभी कभी। बाइक ने धोखा नहीं दिया वैसे। पहाड़ी में वो निकलूंगा फ्रेंड, आपको अच्छी चीज दिखाऊंगा, कुछ बहुत अच्छी चीज दिखाऊंगा। अब हम घूम चुके हैं यहाँ से लगभग भीम का रास्ता 6-7 किलोमीटर के आसपास में है। ये देखिए ये भीम का बोर्ड जो है 6 किलोमीटर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा है पहाड़ियों के अंदर को जाते हुए। और बाइक का भी तेल ख़त्म है, लगभग तेल पंपा पड़ेगा आगे में। 50 किलोमीटर चल गई 100 रुपये के तेल में, और क्या लो, अच्छी बात है। 50-60 का एवरेज दे रही है। ये देखिए इधर आगे की साइड में जा रहा हूँ आज, ऐसा आज इधर भीम साइड में काम करने के लिए आया था। 50 किलोमीटर दूरी के फासले से काम करने के लिए अच्छा ही है भाई, है ना भाई। 100, 200, 300, 400 रुपए की भी बने वो भी बहुत अच्छा है भाई। कहाँ बननी है, गाँव में रह के नहीं बनती है ना भाई। ओ भाई दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देख लो। ये देखिए अगर बारिश पड़ जाती है तो काफी अच्छी हरियाली आ जाती है। देखिए पेड़ों में भी हरियाली है और पहाड़ी में भी हरियाली है, क्योंकि जो पेड़ पौधे खड़े रहते हैं उनको पानी नहीं मिलता तो वो सूख जाते हैं। अभी खास इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई बारिश, वैसे हल्की बारिश थी,
काफी अच्छी हरियाली है इधर। अब निकल चुके हैं हम, ये देखिए। चलो कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे उसको। ये देखिए जो पहाड़ी के नीचे में मकान पाए जाते हैं, कहीं कहीं पे मिलते हैं। वैसे गांव तो रहता नहीं है काफ़ी बड़ा, यही है जो 10-20 घर मिल जाते हैं पहाड़ियों के नीचे में। मेरे को हरियाली बहुत अच्छी लगी इधर की, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी। डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। तो भाई साहब, यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर दृश्य है सारा। और ये जो पानी है बकरियों और भेड़ों के लिए, जो यहाँ पर चरती रहती है उनके लिए पानी है, भरा रहता है परमानेंट। दोस्तों मैं यहाँ पे जो रुका था, ये जो बाइक है मेरी, केवल अभी 5-20 भी गया, आप देख सकते हो पीछे का जो व्यू है। और ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ी है, ये बोली जाती है पूरी श्रृंखला गुजरात तक लगभग फैली हुई है। ये देखें मेरे जस्ट पीछे, मैं सबसे ऊपर हूँ। और ये इधर भी थोड़ी दूरी पे एक गांव है, कोई 3-4 घरों का गांव है। तो आप देख सकते हो कि मौसम भी बहुत अच्छा है और बारिश ही नहीं हुई। यहाँ तो लगभग 20 दिन हो गए बारिश नहीं हुई यहाँ पे, तो बारिश की बहुत ही आवश्यकता है यहाँ पर। तो दोस्तों, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और बेल आइकन। तो दोस्तों, मौसम तो बहुत अच्छा है, लगभग हवा ही चलती रहती है दिन भर, पूरे दिन हवा चलती है और पसीना नहीं आता। केवल ऐसी गर्मी है कि इधर साइड में, जोधपुर साइड में, ये सारी पहाड़ी जो इलाका है ये सारा, और जोधपुर से आगे रेगिस्तान पड़ता है। आप देख सकते हो इन पहाड़ियों के लिए